सबसे ज्यादा भीड़ ना इन अंकल के शॉप पे ही होती है। पूरे INA मार्केट में आपको इनसे बेस्ट कहीं पे भी दही के छोले नहीं मिल सकते। कितने साल से खा रहे हो? मैं यहाँ साल भर से आ रही हूँ और मेरी बेटी हमेशा यहीं से ही दही के छोले खाती है। कैसा टेस्ट है अंकल? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, पूरे INA मार्केट से अच्छा टेस्ट है, इनकी दुकान से अच्छा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। कौन से छोले मंगवाए हैं? ये दही के छोले हैं। दही के छोले तो कैसा लगा टेस्ट आपको? ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। इस साइड जब भी आते हैं स्पेशल, 4 किलोमीटर दूर था पर स्पेशल खाने के लिए आया। अच्छा तो कब से खा रहे हो आप? कितना टाइम हो गया खाते हुए? काफ़ी टाइम हो गया। मतलब टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा आपको? बहुत बढ़िया टेस्ट है भैया, दही के छोले, चीज़ के छोले, कोई ना कोई आइटम खा के जरूर जाते हैं। अच्छा अच्छा भैया, आपने कौन से छोले मंगवाए थे? दही छोले। दही के छोले कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा। कितने टाइम से खा रहे हो? मैं एक साल से। एक साल से खा रहे हो? पर जब भी यहाँ आता हूँ, नहीं जब भी यहाँ आता हूँ तब खाता हूँ। अच्छा अच्छा लगता है, कभी पनीर के भी खाता हूँ, कभी दही छोले, अच्छे लगते हैं। और इस एरिया में जब भी आता हूँ तो एक बार ज़रूर खा के जाता हूँ। तो क्या रेटिंग देना चाहोगे 10 में से? मैंने तो पहले ही देखा 10 में से 10। 10 में से 10। कौन से छोले मंगाए हैं? पनीर के छोले। कैसा लगा टेस्ट? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब आप कह सकते हैं। कितने टाइम से खा रहे हो आप यहाँ पे? मैं तो एक्चुअली रेगुलर यहाँ नहीं आता हूँ, मैं जब भी आता हूँ यहाँ से गुजरता हूँ तो खा के ही चले आता हूँ। तो क्या रेटिंग देना चाहोगे 10 में से? 9 कह सकते हैं आप 10 में से। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली के INA में, स्वाद के एक नए सफर में। आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ भाई छोले, दही के छोले। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा मेरे हिसाब से, वैसे ज़्यादा ये चर्चित फेमस डिश है नहीं, पंडित जी के मशहूर दही के छोले। आप जस्ट ले सकते हो, उद्योग भवन है हमारा, उद्योग भवन के जस्ट आपको आगे आओगे थोड़ा सा मिल जाएगा आपको जस्ट भैया की शॉप, आपको दिखा लिखा हुआ मिल जाएगा ऊपर से दही के छोले। ये मेन आपका एरिया पड़ता है कश्मीरी मार्केट। तो आओ देखते हैं इनके छोले, टेस्ट करते हैं कैसे होने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो, आपको यहाँ मिलता है दही के छोले। छोले की एक वैरायटी नहीं है, वैरायटी कई प्रकार की यहाँ पे होने वाली है। पीछे पूरा मेन्यू कार्ड आप देख सकते हो कितना है, दही के छोले, चीज़ के छोले, पनीर के छोले, छोले अफगानी, इटालियन चीज़ छोले। भाई इतने ज़्यादा वैरायटी छोले के होने वाले हैं। ये छोले होता क्या है पहले तो मैं नहीं बताऊँगा आपको, अंकल ही बताएंगे एक्सप्लेन करके रियलिटी में छोले होता कैसा है, ये बनता कैसा है, इसकी मेकिंग कैसे होती है। तो आइए अंकल से मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हमारे अंकल जो देखते हैं दही के छोले, पंडित जी के बहुत ज़्यादा फेमस दही के छोले, काफ़ी यूट्यूब पे नाम चर्चा सुनने के बाद मैं आज उनके पास मौजूद। तो भैया क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया। इतने ज़्यादा फेमस क्यों आपके दही के छोले, पहले तो मुझे ये बताओ आप। नहीं वो तो चीज़ है, अच्छी लगी लोगों को, बहुत पसंद आई तो फेमस है। देखो वैसे मैं रोहिणी से हूँ, रोहिणी में दही के छोले है इस टाइप की कोई डिश मिलती ही नहीं है, तो ये क्या है हमारे व्यूअर्स को बताओ कैसे बनती है? ये ब्रेड होती है, उसके अंदर दही का एक मसाला बनाते हैं हम, उसका पानी दही का निचोड़ के फिर उसका मसाला बनाते हैं, प्याज या शिमला काली मिर्च का जो जब एक उसका मसाला डाल के फिर उसके अंदर ब्रेड के अंदर फोल्ड कर देते हैं। तो मुझे कितने साल पुरानी शॉप होगी आपकी? ये हमारी शॉप हो गई 15 साल पुरानी। 15 साल पुरानी। वैसे यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियोज़ है दही के छोले, अगर हम सर्च करते हैं यूट्यूब लिस्ट पर सबसे पहले आपकी वीडियोस निकल के आती है। तो ये क्या खासियत है, इसकी खासियत के बारे में बताओ। लोगों का प्यार है और टेस्ट का एक जायका है। तो हमें एक बार मेकिंग दिखा दो दही के छोले की, मेकिंग कैसी होती है? मेकिंग बनाते हुए? हाँ, बनाते हुए वो तो मैं दिखाता नहीं। अच्छा ठीक है, दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब एक राज है इसके पीछे भी कोई गहरा। तो ये भी हमारे लिए प्लेट लगा दीजिए। ठीक, वैरायटी बता दीजिए क्या क्या वैरायटी होगी हमारे पास? दही के हैं, पनीर के हैं, चीज के हैं, इटालियन चीज है, अफगानी है, छोटा साव है, बर्गर है, सैंड पीस है। या पिज्ज़ा में ना इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती जितनी वैरायटी आपको दही के छोले में मिलने वाली है। तो हमें हमारे लिए सबसे स्पेशल आपका क्या होगा पहले बताइए? आप दही का खाइए, दही का हमारा सबसे ज़्यादा फेमस। अच्छा, एक दही को और एक चीज़ का लगा दीजिए आप हमारे लिए। एक चीज़। ठीक है, टेस्ट करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा होना है। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। ठीक, चीज़ का बना के ले आओ। तो वैरायटी यहाँ पे छोले की कितनी सारी है, तो भैया कौन कौन से वैरायटी है इसमें? ये पनीर वाले हैं और चीज़ वाले, इटालियन वाले और अफगानी। अच्छा, ये अफगानी वाले यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये कौन से वाले हैं? दही के छोले। ये दही के छोले हैं। तो भाई छोलों की यहाँ पे भरपूर मात्रा आप देखते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पे, अलग अलग टाइप्स के हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इन्होंने बना के रखा हुआ है दही के छोले।
हमारे शोले यहाँ पे आ चुके हैं। ये हमारा चीज़ वाला शोला है, आप देख सकते हो चीज़ के अंदर भरा हुआ है अच्छे खासे अमाउंट में। और ये हमारा है दही के शोले, दोनों का टेस्ट देखते हैं कैसा होने वाला है। मैं वैसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये शोले जो भी हैं, देखते हैं क्या टेस्ट होता है इसका। तो दही के पहले ट्राई करते हैं, इसमें लेते हैं हम रेड अपनी रेड केचप और हमारे ग्रीन सॉस और देखते हैं टेस्ट कैसा होने वाला है। बेहतरीन, अमेजिंग, ऐसी चीज़ मैंने ना पहली बार ट्राई करी और बहुत ज़्यादा लिटरली मज़ा आ गया। इसका मज़ा ज़्यादा ना रेड केचप के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब जो मुंह में जो एक एक बाइट जा रही है ना उसका स्वाद ही अलग है। अब हम ट्राई करते हैं हमारे चीज़ वाले दही के चीज़ वाले छोले, इसका टेस्ट देखिए कैसा होता है। अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। इसमें जो चीज़ है ना आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भरपूर है। पहले मैं दही वाला ट्राई करना चाहूँगा कैसा स्वाद है इसका। कैसा लगा टेस्ट? एक नंबर स्वाद है सही में, ऐसे तो खाए नहीं कभी भी। इससे पहले कभी ट्राई किया था ये चीज़? मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, ये जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी। एकदम ये चीज़ वाले हैं, वाह वाह चीज़ वाले का टेस्ट कैसा लगा? 10 out of 12।